अपने जीवन में थोड़ी सी सादगी लेकर आते हैं। जब हम यहाँ खुश रहेंगे ना, क्योंकि खुशी तो सोच से ही बनती है, तो हम बार बार चीजें नहीं खरीदते रहेंगे खुशी के लिए। आज हम इतना कुछ खरीदते हैं खुशी के लिए कि सृष्टि के रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं। ये किसका कर्म बन रहा है, ये किसका कर्म बन रहा है? क्योंकि हमने मेहनत की, हमने धन कमा लिया, हमने सोचा हम कुछ भी खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। लेकिन इस समय हमें ये नहीं चेक करना कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें ये चेक करना है क्या प्रकृति अफोर्ड कर सकती है कि मैं हर चीज ऐसे दुकान से उठाते जाऊं। सादगी के जीवन की जरूरत आ चुकी है, उतना खरीदें जिसकी जरूरत है। इच्छाओं के लिए खरीदना तो कभी खत्म ही नहीं होता। कपड़े खरीदें शरीर को ढकने के लिए, बोर हो रहे थे इसलिए नहीं, बोर हो गई मैं वही कपड़े देखकर, चलो नए लेकर आते हैं। जो नया लेकर आएंगे 4 दिन बाद उसको देखकर बोर हो जाएंगे, फिर और नया लेकर आएंगे। अलमारी में जगह नहीं होती जितने कपड़े हो गए हमारे पास, है या नहीं बात? राइट, क्योंकि हम खुशी के लिए खरीद रहे हैं। जब आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे तो खुशी के लिए नहीं खरीदेंगे, सिर्फ जरूरत के लिए खरीदेंगे। और जब जरूरत के लिए खरीदेंगे तो प्रकृति का सम्मान करेंगे, और जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारा सम्मान करेगी। कार्मिक अकाउंट ऐसे ही बनता है। लेकिन जब हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट करेंगे तो प्रकृति हमें रिटर्न में क्या देने वाली है, क्या कर्मा बन रहा है हमारा? तो थोड़ा सा समय आ गया है, अभी भी नहीं करेंगे तो टू लेट हो जाएगा। ना खुशी के लिए चीजें खरीदनी है, क्योंकि चीजें खुशी नहीं देती हैं, चीजें सिर्फ आराम देती हैं। ना खुशी के लिए चीजें खरीदनी है और ना लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीजें खरीदनी है। ये दो ही चीजों के लिए हम चीजें खरीद रहे होते हैं। चीजें सिर्फ और सिर्फ उपयोग के लिए खरीदनी है, यूज, नेसेसिटी, सादगी। अभी से सादगी ले आइए, प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लीजिए, ताकि जब प्रकृति उथल पुथल करेगी, जिन्होंने उसके साथ बनाकर रखी होगी वो उसका ध्यान रखेगी, ये तो पक्की बात है। नहीं तो हलचल तो बड़ी वाली आनी ही आनी है। क्योंकि हम जितना मन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जितना यहाँ खालीपन बढ़ता जा रहा है, उतना हम बाहर से और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहीं से तो मुझे खुशी मिले। तो हम खुशी को खरीदने की कोशिश करते हैं। क्या खुशी खरीदी जा सकती है? सोच के बताना, क्या खुशी खरीदी जा सकती है? नहीं, खुशी खरीदी नहीं जा सकती। खुशी खरीदी जा सकते कि नहीं जा सकते? आपने देखा मेरी कुर्सी कितनी महंगी है जिसपे मैं बैठी हूं, और आपकी कुर्सी सिंपल है, इसका मतलब मैं आपसे ज्यादा खुश? फिर भी हम लोगों को देखते कहते देखो उनके पास कितना है, कितने लक्की है। ज्यादा समान होने से कोई लक्की नहीं होता, संतुष्ट होने से भाग्यशाली बनते हैं। लेकिन दूसरों को देखकर हम और होड़ में चले जाते हैं और खरीदने की। सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, सादगी, ये आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। जो ऐसे वाली आत्माएं होती है ना, वो संतुष्ट होती है, वो इच्छा मात्रम अविद्या होती है, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। और जो ऐसे वाली होती है ना, वो नेवर एंडिंग डिजायर, इच्छा कभी खत्म नहीं होती चाहे कितनी भी आ जाए, क्योंकि इच्छा एक एडिक्शन है, जितनी करते जाओ उतनी बढ़ती जाती है। और संतुष्टता जितनी लाओ, कुछ नहीं हो तो भी संतुष्ट है। तो सादगी की जीवन को अपनाएं, हर चीज जब खरीदें उसका लेबल देखें, तो ये ना सोचे कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि नहीं, ये सोचो प्रकृति अफोर्ड कर सकती है कि नहीं, फिर खरीदना है उसको। प्रकृति का सम्मान करना, ये भी हमारे भाग्य के लिए बहुत 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 जरूरी है। है या नहीं जरूरी? है या नहीं जरूरी? है।
है प्रकृति के हर रिसोर्स का सम्मान करना। और जैसे जैसे वो कर रहे होंगे ना तो शुक्रिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ती जाती है। मिसयूज करते हैं तो कोई शुक्रिया नहीं होता हमारे पास किसी चीज का, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आने वाले समय में प्रकृति की हलचल तो है ही है थोड़ी बहुत, लेकिन एक और चीज जो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, मुझे नहीं पता आपके सत्योगी शहर में है या नहीं, बड़े शहरों में तो बहुत है, और वो है मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम। पोस्ट कोविड 4 बड़े शहरों की रिसर्च हुई और ये पता चला कि कोविड के बाद, और उसका कोविड से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोविड के बाद भारत में मेंटल हेल्थ इश्यू मतलब मानसिक रोग 30% बढ़े हैं, और ये एक बहुत फास्ट फिगर बढ़ रहा है। ये एक और एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है, और WHO ने पहले ही कहा है मेंटल हेल्थ विल बिकम अ पैंडेमिक, मतलब वो फैल जाएगा। वो क्यों फैल रहा है? क्योंकि आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का कोई काम नहीं कर रहा है, और घटाने के लिए बहुत साधन आ चुके हैं सारा दिन के अंदर। इसके ऊपर जो असर डाल रहा है वो हमारी पॉकेट में सारा दिन हमारे साथ रहता है। ध्यान से उपयोग कीजिएगा, साधन को यूज कीजिए, साधन का गुलाम मत बनिए, साधन को मालिक बन के उपयोग कीजिए। लेकिन अगर साधन हमको कंट्रोल करने लग गया तो मन कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो मेंटल हेल्थ इश्यू बहुत फास्ट, मतलब बहुत फास्ट बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा बच्चों में भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए समय की आवश्यकता है कि हर घर के वातावरण को बदलने की जरूरत है, हर घर में शक्तियां लाने की जरूरत है, सुकून लाने की जरूरत है, सिर्फ साधन नहीं, सिर्फ साधन नहीं। तो हर घर में एक शक्तिशाली आत्मा चाहिए, जैसे हर घर में एक पैसा कमाने वाला चाहिए होता है ताकि घर ठीक से चले, इस समय हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए ताकि उस घर में कोई भी बात आ जाए वो एक शक्ति कमाने वाला उस पूरे परिवार को कैसे रखेगा उस समय, स्ट्रॉन्ग पावरफुल। क्या आप अपने परिवार के लिए शक्ति कमाने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं? यस। ऐसा नहीं कुछ भी आए और सारे परेशान। अभी क्या होता है, एक परेशान होता है सारे परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारा इतना प्यार है एक दूसरे से, ये परेशान तो मैं भी परेशान, ये दुखी तो मैं भी दुखी, ये रो रहे हैं तो मैं भी रो रहे हैं। अब समय वो है अगर एक परेशान तो दूसरे को कैसा होना पड़ेगा, दूसरे को कैसा होना पड़ेगा। अटैचमेंट जो होती है ना वो क्या करती है, एक परेशान तो बाकी चार भी परेशान। शक्ति और प्यार क्या करता है, एक परेशान तो दूसरा कैसे। जैसे आप वॉक पे जा रहे हैं, एक छोटा सा गड्ढा आया, आपका परिवार का एक सदस्य उसमें गिर गया, तो बाकी तीन को क्या करना है, बाकी तीन को क्या करना है, उसको बाहर खींचना है। हम कहते हैं हमारा एक दूसरे से इतना प्यार है, इसीलिए मेडिटेशन इस टाइम एक ऑप्शन नहीं है। अब हम सब परमात्मा को याद करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका शुक्रिया करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हम सबका अनुभव है कि कभी कभी जब हम परमात्मा को याद कर रहे होते हैं हमारा मन बीच बीच में इधर उधर जाकर आ जाता है। तो जो प्रार्थना हम करते हैं उसको हम एकत्र स्थिति से करें हैं, हमारा मन 100% एकाग्रता से परमात्मा के साथ ही जुड़ा रहे और इधर उधर का कोई संकल्प ना आए, वो है मेडिटेशन का प्रणाम। इसीलिए थोड़ा सा मेडिटेशन हम साथ साथ सीखें। मेडिटेशन एक एक्सरसाइज की तरह है, एक एक्सरसाइज है जिससे हम जैसे ही परमात्मा को याद करें तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरें, मन इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। और जब वो कर लिया तो सारा दिन भी मन इधर उधर नहीं जाएगा, और उस सर्व शक्तिवान परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भर के फिर सारा दिन हम सबके लिए कैसे बन जाते हैं, देने वाले, देने वाले, देने वाले। आज रात को जब आप घर जाएंगे एक प्रयोग कीजिएगा, रात को सोने से पहले
कुछ भी नेगेटिव उस फोन से मत लीजिएगा, टीवी से मत लीजिएगा, क्योंकि रात की नींद पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि हम सोने से पहले भी इसमें ऐसे 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 देख रहे हैं, उसको ऐसे ऐसे देख रहे हैं, और इतना कुछ भर के फिर हम सो जाते हैं। दुनिया की न्यूज देख रहे हैं हम रात को सोने से पहले, उसके बाद क्या हमारा मन सो सकता है इतना सब ऊपर नीचे देखने के बाद? शरीर सोता है उसके बाद, मन नहीं सोता, इसलिए ज्यादा शोर मचता है। नींद में भी मचता है और सुबह उठ के भी मचता है। और सुबह उठने के बाद कल एक और प्रयोग कीजिएगा, 1 घंटा फोन को हाथ नहीं लगाना, 1 घंटा कर सकते हैं 1 घंटा। ये मन है ना, ये एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, सुबह का 1 घंटा आप इस पे जो डालेंगे ये ऐसे चूस के भर लेगा उसको। लेकिन सुबह सुबह हम दुनिया की चीजें डाल देते हैं इसके ऊपर। सुबह सुबह परमात्मा को याद करना, मेडिटेशन करना, सर्वशक्तियां भरना, ज्ञान भरना, ज्ञान खुराक है। और फिर फोन पर देखना कि सबको मुझे क्या देना है अभी। अपने आप को शक्तिशाली बनाना, आज की डेट लिख के रखना और 1 साल बाद देखना, बहुत फास्ट रैपिड चेंज है। इसलिए शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा आगे, नहीं चलेगा। इसलिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रोज 10-15 मिनट भी पहले हम मेडिटेशन सीखेंगे और फिर उसको रोज 10-15 मिनट करेंगे। और सारा दिन में हम क्योंकि बहुत कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं इधर उधर से, तो कम से कम 15 मिनट रोज परमात्मा के महावाक्य अपने अंदर भरने हैं। ज्ञान, ज्ञान खुराक है। एक पोस्टर अपने घर पे लगा कर रखना, जो हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, वही हम बनेंगे। What we watch, read, listen is who we become. So content से संस्कार बनते हैं, संस्कार से कर्म बनता है, कर्म से भाग्य बनता है, मतलब content से भाग्य बनता है। अब अगर हमारे content में ही हिंसा है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो वो हमारे संस्कार बनेंगे, हमारा भाग्य बनेगा। तो ध्यान से कौन से सीरियल देख रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कौन से गाने सुन रहे हैं और कौन से मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो हम बन रहे हैं। और जो हम बन रहे हैं वो हमारा भाग्य बन रहा है। अटेंशन, बहुत अटेंशन। और अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चों के पास तो उसको करने की शक्ति आना मुश्किल है, क्योंकि वो तो वो जेनरेशन है जो पैदा ही इन खिलौनों के आसपास साथ साथ ही हुई है। हम सबको तो ये खिलौने 25 साल बाद मिले थे, वो तो इसके साथ। और अपने घर में एक नियम बना लेना, आज जब भोजन करेंगे तो फोन और टीवी कभी ऑन नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं इतना सा? कर सकते हैं? जो अपने परिवार के साथ आए, एक दूसरे को देख लो और पक्का कर लो, आज से फोन टीवी बंद। जैसा अन्न वैसा मन होता है, वो फोन और टीवी से कौन से शब्द सारे खाने के अंदर चले जाते हैं। हम एक हाथ से फोन पे बात करते हैं, दूसरे हाथ से टीवी का चैनल चेंज करते हैं, खाना तो बस अंदर जा रहा है ऐसे। ना शरीर स्वस्थ बनेगा ऐसे भोजन से, ना मन शक्तिशाली, क्योंकि मन तो कुछ और ही देख रहा था। पक्का करें आज से कि ना फोन और टीवी कभी खाने के टाइम नहीं होना चाहिए। और रुक कर परमात्मा को याद करके, शुक्रिया करके, अच्छे अच्छे संकल्प डाल के फिर खाना खाएंगे। दुआएं अन्न को भी दें खाने से पहले। तो धन, अन्न, मन, तन, 4 ही तो भाग्य चाहिए। लेकिन बनेंगे कहां से? यहां से। तो थोड़े दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालिए और मेडिटेशन की विधि को सीखिए। रेडी सीखने के लिए? कौन 5 दिन निकाल सकता है 1 घंटा मेडिटेशन सीखने के लिए? हाथ उठाइए, सब उतार सकते हैं। और एक चीज कभी मत बोलना, मेरे पास टाइम नहीं है, वो भी अच्छा भाग्य नहीं है। आपको पता है कौन बोलता है मेरे पास समय नहीं है? कौन बोलता है मेरे पास समय नहीं है? डॉक्टर बैठे हैं ना यहाँ, जब उनको किसी को दूसरी खबर देनी होती, कहते सॉरी अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है।
और हम अपनी भाषा में बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। गलत लाइन। क्या बोलना चाहिए? मेरे पास बहुत समय। हमेशा भरपूरता की भाषा बोलने हैं, कभी भी कमी की भाषा नहीं बोलने। भरपूर, जैसे शिकायत या शुक्रिया सिर्फ एक संस्कार है, कमी या भरपूरता वो भी सिर्फ एक संस्कार है, वो अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो कितना टाइम है आपके पास? अच्छे से बोलो, कितना टाइम है? धन कितना है? खुशी कितनी है? सेहत कितनी है? जीवन कैसा है? परफेक्ट। अभी या रोज? रोज। बस बोलते जाना, संकल्प से सिद्धि होती जाएगी। जो सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वो सिद्ध होता जाएगा। तो कौन कौन निकालेगा 5 दिन 1 घंटे के लिए? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, निकालना है। बाकी लोग क्यों नहीं निकालेंगे? अपने घर के लिए बहुत मेहनत की और घर को सारे सामान ला दिए, अब घर को शक्ति ला के दो। इस 5 दिन के अंदर हम आत्मा को शक्तिशाली बनाने की विधि और गहराई से और परमात्मा से सर्व शक्ति अपने अंदर कैसे भरनी है वो मेडिटेशन की विधि सीखेंगे। तो आपके नजदीक जो सेंटर है वहां जाकर आप इस विधि को सीखेंगे। अगर अपने मन पर संयम लाना चाहते हैं और हर परिस्थिति में सही सोचकर दुआएं देना चाहते हैं और जिन दुआओं से आपका मन शक्तिशाली, शरीर स्वस्थ, रिश्ते प्यारे और प्रकृति सत्व प्रधान बनेगी, तो 5 दिन 1 घंटा निकालना, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ समय निकालना है और कुछ भी नहीं। और निकालने से हम सबको देने वाले दिया बन जाते हैं। बनना है ना दिया? बनना है दिया। ऐसी जीवन एक्सपीरियंस करेंगे कि बड़ी से बड़ी बात आ जाएगी और आपका मन बिल्कुल स्थिर शांत रहकर दूसरों को भी शक्तिशाली बना लेगा। सिर्फ खुद नहीं रहेगा, दूसरों को भी शक्तिशाली बना लेगा। बहुत बड़ी शक्ति है।